दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की फोर्थ जनरेशन नई वाली स्विफ्ट, जिसका लुक बाहर से टोटली चेंज हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट लुक, जिसमें आपको हेडलैम्प, ग्रिल और बोनट वगैरह सब चेंज देखने को मिलेंगे। साइड में देखें तो साइड से भी गाड़ी का लुक चेंज है। बाकी पहले वाली स्विफ्ट से काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा इसका लुक बढ़ गया है। और लुक के साथ साथ मारुति सुजुकी इस बार इस स्विफ्ट में अच्छे फीचर्स भी दिए हैं, और पुरानी वाली स्विफ्ट के मुकाबले सेफ्टी फीचर्स भी ऐड हुए हैं, जो कि वीडियो में आपको बताएंगे पूरा। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसके ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब वही रहने वाले हैं। अगर बात करें इसके टायर साइज़ की तो 185/65 R15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं इसमें। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये LXi वेरिएंट है, इसमें टर्न इंडिकेटर आपको ORBM पे ही मिलेगा। बाकी भाई साइड का लुक तो पिछली वाली स्विफ्ट के मुकाबले काफ़ी अच्छा दे दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी इसके टॉप मॉडल में कीलेस एंट्री दे रही है कंपनी। आते हैं अंदर साइड, तो आपको डोर का लुक थोड़ा सा चेंज मिलेगा। बाकी इंटीरियर तो भाई पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले पूरा चेंज मिलेगा आपको। स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब सेम रहने वाले हैं। बाकी इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी इसमें क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मिलता है, आपको देखने से लग रहा होगा ये ऑटोमेटिक है, बट इसके टॉप मॉडल में सब ऑटोमेटिक मिलता है। और टॉप मॉडल में इसके क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। बाकी अंदर का इंटीरियर आप देख ही सकते हैं। बाकी इसके बेस मॉडल से ही आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, देख सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्टिव है। इसकी AC मैनुअल ही है, देखने से ऑटोमेटिक लग रही होगी। बाकी ये गाड़ी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आ रही है। और यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें AC के कंट्रोल शो करते हैं। और इसके स्टेयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्मूथ है। और बाकी ऊपर साइड में देखते हैं तो रीडिंग लैंप और सनवाइजर वगैरह दिए हैं। और ड्राइवर साइड केबिन में भी आपको पूरा फुल स्पेस देखने को मिलेगा, स्पेस की कमी नहीं है इसमें। और बाकी इसमें एयरबैग की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, देखिए कहाँ कहाँ पे है। और एक हो गया स्टेयरिंग पे, दूसरा हो गया यहाँ पे, और 2 एयरबैग जो है कि पिलर पे हैं, 4 एयरबैग ये हो गए, और 2 एयरबैग जो है यहाँ पे सीट पे दिए गए हैं। 6 एयरबैग, टोटल 6 एयरबैग हैं भाई इस गाड़ी में। और इस बार इसमें बोलेरो स्कॉर्पियो की तरह आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जिसे क्लच दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं ट्रैफिक में रुकते हैं क्लच छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसके बैक साइड में। तो बैक साइड में आते हैं तो बैक साइड डोर भी आपको चेंज मिलेगा। बाकी पीछे देखें तो पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलने वाले हैं, वैसे स्पेस वगैरह ठीक ठाक है पीछे, और सीट्स भी कम्फर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कम्फर्टेबल राइड के लिए है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है, छोटी फैमिली के लिए। और इसके जो है कि लास्ट वाले पिलर पे पियानो ब्लैक का फिनिशिंग देखने को मिलेगा आपको। बाकी इसके बूट की बात करें तो इसमें आपको 256 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है, कम नहीं है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह आपको दिख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें वाइपर तो आया नहीं, लेकिन डिफॉगर का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, अगर इसमें टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प का शेप जो है कि काफ़ी अच्छा दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे LED बल्ब दिए गए हैं, जो कि काफ़ी यूनिक और प्रीमियम लग रहा है। और पीछे में आपको केवल पार्किंग सेंसर मिलेंगे, क्योंकि बैक कैमरा नहीं आता है इसमें। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके इंजन को। अच्छा, इसके बोनेट को काफ़ी हैवी बना दिया है, मतलब स्विफ्ट का बोनेट इतना भारी। और दोस्तों ये है 1197 cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 80 BHP की पावर और 111 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब इस वाले इंजन से और पुरानी वाली स्विफ्ट के इंजन से कंपेयर नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वो 4-सिलेंडर थी और ये 3-सिलेंडर है। और इस बार मारुति का कहना है कि गाड़ी में थोड़ी सी पावर कम रहेगी, बट माइलेज आपको 24 KPL का देंगे। और इस गाड़ी के एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 6.5 लाख से स्टार्टिंग होकर टॉप मॉडल 9.5 लाख रुपये के लगभग जाती है। बाकी प्राइस रेंज के अनुसार गाड़ी अच्छी है, और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी ऐड हुए हैं, एयरबैग भी ऐड हुए हैं, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी लेने लायक है। फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती है सिर्फ आज से नहीं, बहुत पहले से ही, क्योंकि कम बजट में आपको एक रिलायबल कार मिल रही है। और इसकी बुकिंग के लिए आप मारुति के नियरेस्ट शोरूम में विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।